सो हाई, दिस इज़ मी दीपक हियर एंड आज डिस्कस करते हैं कुछ ट्रेड के ऊपर जो मैंने प्रैक्टिकल ट्रेड लिए थे, एंड कुछ ट्रेड ऐसे थे जो मेरे अगेंस्ट चला गया था, बट फायर फाइटिंग करने के बाद फाइनली वो ट्रेड मेरे जोन में कन्वर्ट हो गया एंड फाइनली सारा जो ट्रेड था वो प्रॉफिटेबल जोन में आ गया था. ठीक है, सो ट्रेड देखते हैं कि ट्रेड मैंने क्या लिया था. सो मार्केट को देखने के बाद मुझे लगा था मार्केट थोड़ा सा अपसाइड के डायरेक्शन में मूव करेगी या फिर साइडवेज रहेगी. दैट्स वाई मैंने पुट को सेल कर दिया था, वो 14,400 P. ठीक है, वीकली को मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था. सो 35 रुपीज़ समथिंग में मैं इसको सेल किया था एंड ये 35 क्या था मेरे अगेंस्ट गया एंड 35 जो है वो समथिंग 80 रुपीज़ ट्रेड होने लगा. ठीक है, एक दो दिन जब भी मैंने ट्रेड डाला उसके अगले दिन ऐसे कुछ हुआ था जो 80 रुपीज़ ट्रेड होने लगा क्योंकि मार्केट बहुत डाउन साइड में आ गया था. बट अभी अभी मुझे एक्शन नहीं लेना था क्योंकि वो एरिया में नहीं आया था जहाँ पे मैं एडजस्ट करूँ इस ट्रेड को. सो फाइनली उस ट्रेड को मैंने वैसे ही होल्ड किया एंड आज वो नेक्स्ट डे ऐसा है जो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव की एंड जो भी लॉसेस वगैरह थे वो सारा कुछ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है. एंड फाइनली ये जो है वो 12 रुपीज़ समथिंग ट्रेड कर रहा था. सो इस वाले ट्रेड को मैंने एग्जिट कर लिया 13 रुपीज़ 60 पैसा में. ठीक है, सो ये एक नेकेड पुट मेरे पास पड़ा हुआ था जो मैं अभी दिखाया आपको. ठीक है, सो ट्रेड नंबर वन ये देख लीजिए कि हमारा ट्रेड नंबर वन ये था. ट्रेड टू नंबर क्या है कि ये था 14,115,300 का पुट. ये ट्रेड मेरा जेट लेजर्ड था एंड उसमें मुझे फायर फाइटिंग करना पड़ा एंड उस ट्रेड को मुझे फर्दर शॉर्ट स्ट्रैंगल में कन्वर्ट करना पड़ा एंड फाइनली ये जो मैंने सेल किया है 43 रुपीज़ 33 रुपीज़ में. ठीक है, सो अब ये 26 एंड 25 हो गया. सो मुझे यहाँ से इजीली ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है एंड मुझे मुझे जो भी मतलब नेट नेट अगर देखूँ इस स्ट्रैटेजी का तो मुझे अच्छा खासा मैं प्रॉफिट में अभी हूँ. बट फाइनली अभी मैं थोड़ा और रुकता हूँ, जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मैं लेने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे. ठीक है, सो ट्रेड नंबर टू हमारा ये था. ट्रेड नंबर थ्री ये है, मैंने इसको ये इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था शॉर्ट स्ट्रैंगल से. ठीक है, ये 13,500 15,700 को. सो इसको मैं सेल किया था 58 एंड 50 रुपीज़ में. इस मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल इसलिए बनाया बनाया क्योंकि जिस दिन मैं इस ट्रेड को डाला उस दिन विक्स बहुत ही ऊपर की तरफ मूव कर गई थी. तो इस विक्स का बेनिफिट लेने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल डाला एंड उस वॉलीटिलिटी का मज़ा लेने के लिए मैं सोचा कि चलो ठीक है इस ट्रेड को डालते हैं. एंड सैटरडे संडे क्लोज था मार्केट. नेक्स्ट मतलब कि आज मंडे के टाइम ऐसा है जब मार्केट 135 पॉइंट ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है एंड आप विक्स देखिए, विक्स बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है. एटलीस्ट 4-5% है जो विक्स आज क्रैश हुआ है एंड इसी विक्स के वजह से आज मेरा जो डेज M2M अप्रॉक्स 6,700 आपको जो दिख रहा है. ठीक है, सो इस पूरे पूरे ट्रेड का जो हमारा प्रॉफिट है 7,800 रुपीज़ है. इजीली मैं बुक कर सकता हूँ बट जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट है अलग अलग ट्रेड्स का वो एग्जिट करूँगा. सो बेसिक बेसिक मेरा ये मोटो था कि मैं अपने ट्रेड्स को दिखाऊँ कि अभी बेसिक्स मेरे क्या ट्रेड चल रहे हैं. एंड अभी मैं थोड़ा वेट करता हूँ क्योंकि मुझे मार्केट अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है. विक्स भी क्रैश हो गया आज की डेट में. ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं कि जब भी एक विक्स का इंक्रीमेंट होगा सो ट्रेड नंबर 2, 3, 4 जो भी है फर्दर हम ट्रेड यहाँ से लेंगे. ठीक है, सो बेसिक बेसिक सा ट्रेड था एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 8804038 3838 7 8 5. ठीक है, सो अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड हैप्पी ट्रेडिंग्स टू ऑल ऑफ यू.